press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान के बीच में होगी जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। लेकिन अब आज के जमाने में नए लोग जो हैं वो भारतीय इस तरह की चीजों को नहीं मानते। उनका कहना ये सब लोगों का कि जी हम रिलीजन के लिए नहीं है, रिलीजन हमारे लिए। तो लोगों को मेरे ख्याल है जीने देना चाहिए। और इस किस्म की बातें कि जी जो है वो किसी ना किसी ने जो है वो निकाह पढ़ना है, या अगर वैसे तो अगर लोग करें तो मेरी अपनी मदर की फर्स्ट कजन जो है उनका इंडियन हस्बैंड है, उनके और हिंदू भी हैं, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है, मगर उनकी इस्लामिक तरीके से निकाह भी पढ़ लिया था और इंडियन तरीके से भी शादी हुई थी और रजिस्टर्ड मैरिज भी की थी। ठीक है, सारी चीजें कर दी थी, अपनी मर्जी से रहते हैं, जिसको जो फॉलो करना है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इस कितनी छोटी सोच हमारी हो गई है कि हम लोगों को यही प्रेशराइज करते रहते हैं कि नहीं जी आपने जो है वो निकाह करना है या नहीं, आपने कलमा पढ़ना है तभी आप हस्बैंड वाइफ हैं। आज के जमाने में ये चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए नाजिया, मेरे ख्याल से। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी शर्मिला टैगोर की अपनी मर्जी रही होगी। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वो मॉडर्न एक्ट्रेस थी, जितनी वो भाई उस जमाने में स्विमिंग कॉस्ट्यूम शर्मिला टैगोर पहनती थी शम्मी कपूर के साथ, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद परवीन बॉबी आई, जीनत अमान आई, तब उन्होंने मॉडर्न किया बॉलीवुड को। नहीं, मैंने तो नरगिस और नौतन जी को भी देखा है। अगर आप पुरानी मूवीज देखें, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ सारी मूवीज मैंने देखी है उनके साथ बैठ के, तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नौतन जी और मैंने उनको भी देखा है, मधुबाला वगैरह को। मगर पर काम करने वाली शर्मिला टैगोर की मर्जी मुसलमान होने की हो गई तो फिर सकीना नाम से ही उनको अपने आप को आगे रखना चाहिए था। शर्मिला टैगोर ही क्यों रखी रही बच्चे देखे, देखे वो नाम तो एक जो उनका चल रहा होगा, एक नाम जो उनका उधर बॉलीवुड में चल रहा होगा या फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा होगा उसी को वो कैरी करेगी। तो के लिए भी आरजू जी ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ करके वो नाम बदल करके वो कन्वर्शन कर लेगी, उसकी अपनी मर्जी होती होगी? नहीं, देखे शादी करने के लिए अगर कोई उस वक्त कोई शर्त लगा देता है, उस जमाने की बात करें तो बहुत पहले का जमाना था। मैं अभी कह रही हूँ कि आजकल ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरी मेरी जो खाला है या जो मेरी मदर की कजन, उनकी भी जाहिर है शादी बहुत पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें नहीं की थी। तो अब आज के दौर के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं या आप जो है, आप तो इंडिया में है, अगर में से कोई अगर करता किसी हिंदू से शादी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई रिलीजन को चेंज करते। हिंदुओं को यहाँ पर कोई आपत्ति है नहीं, हिंदुओं को कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मुसलमान वाले ही जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई हम इस शादी को नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके एक बेटे का नाम लव, एक बेटे का नाम कुश, घर का नाम रामायण और दामाद का नाम जहीर, तो बहुत अच्छी बात है। मुगलों ने तो हमेशा राज किया है, करने की कोशिश की है, गला वाला काटा ही है हिंदुओं का, तो अब जहीर भी आ गया है। नाम की वजह से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही, एक बात कह रही हूँ। और वैसे भी कोई ना माने यार, हमें हर एक की मंजूरी पता नहीं क्यों चाहिए होती है। नहीं, हाँ, मैं कह रही हूँ कि अभी भी सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी की है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों के पेरेंट्स मौजूद थे, दोनों खुश लग रहे थे। असल बात तो ये होनी चाहिए कि दोनों इंसान खुश हैं। और अगर लोग, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं 5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, यार ये सब चीजें ना हो, लोगों की शादियां तो तब भी टूट जाती है। और वैसे भी सोनाक्षी सिन्हा ने जिस लड़के को दावत दिया है, तो मुसलमानों में तलाक बहुत होता है, बहुत एक्सट्रीम। भारत में मुसलमान लौंडे इतना तलाक देते हैं जैसे चना भुना वो चबाते हैं और मुंह से फेंकते हैं गुटखा की तरह। यार वो तो हर जगह ही होती है, वो तो हर जगह होती है। द सेकंड थिंग इज आरजू जी कि देखिए, आपत्ति यहाँ पर किसी को नहीं हो रही है। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, मैंने तो सोनाक्षी के बारे में बात ही नहीं किया, मैं क्यों करूँ, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब शोएब जमाई जैसा एक वकील को
अरे बाजार पूरे नेशनल मीडिया पर ये कहता है कि तुम्हारा बच्चा इलीगल है, और ऐसे सारे सारे लोगों के बारे में वो ऐसी बातें करता है, तो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में मुसलमान बात कर ही सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान समझे और सोनाक्षी सिन्हा समझे, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मगर बात करने में क्या यार, बात तो लोग कुछ भी करते हैं। मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के लोग मुझे कहते हैं कि मैं रॉकी एजेंट, मुझे इंडिया से लोग कहते हैं कि मैं ISI के एजेंट हूँ, मैं हो गई क्या, किसी के कहने से क्या होता है? लेकिन हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, जाहिर है वो एक फेमस पर्सनालिटी है, उनके ऊपर लोग बातें करेंगे, लेकिन लोगों को अभी तो अच्छा, मुझे हमेशा मेरी मदर कहा करती थी अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए, तो हम लोगों को अच्छी बात फिलहाल करनी चाहिए ना उनके लिए, कि उनकी शादी हुई है कुछ अच्छा बोले। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेचारी सोनाक्षी सिन्हा को पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं मिला, तो जहीर मिल गया, उसे कर लिया उसने शादी, बहुत अच्छी बात है, और जिसने जो भी शादी किया है ये उसका आपस का निर्णय होता है, आपस का उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, शादी चलेगी नहीं चलेगी ये किस्मत पर डिपेंड करता है, और घर की अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है। आमिर खान ने तो कितनी शादियां की, आमिर खान मुसलमान, कितनी बीवियां छोड़ चुका है, कितनी कितनी हीरोइनों को उसने दो किया है और फिर तलाक दिया है। चीज है यार, अगर आपकी नहीं बन रही है तो वजह है कि घर में रह के एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से बेटर है कि अलग हो जाए, वो एक अलग चीज है। आमिर खान की नहीं चली हर एक के साथ, तो ऐसा नहीं, शाहरुख की तो चली है, शाहरुख ने तो अपनी बीवी को मुसलमान भी नहीं किया, वो वैसे ही रहती हैं जैसे जो उनका रिलीजन है वो फॉलो भी करती है, होना भी नहीं चाहिए। इवन उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उनके घर में मंदिर भी है, उनके घर में नमाज पढ़ने की जगह भी है, तो ऐसे मुसलमान भी तो मौजूद है, एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। पर क्या ऐसे मुसलमान आकर के उन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शुएब जमाई जैसे, साजिद रशीदी जैसे, तौकीर जैसे, अवेसी जैसे मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मुसलमान बेटियों का पीछा छोड़ दो, उनको भी अपनी मर्जी से शादी करने दो। अब जाहिर है इन लोगों के मुंह कौन लग सकता है, आप खुद जानती हैं, या इस तरह के मौलवी मौलाना हमारे यहाँ भी है, उनको कौन समझा सकता है? लेकिन बहरहाल शाहरुख ने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है, मौजूद है। हम अगर अपने आप को समर्पित किए हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, तो हमें तो कड़वा बोलना पड़ेगा ना, हम अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो अवेयरनेस तो कभी नहीं हो सकता। आज अगर आप एक स्कूल की टीचर है, आपको कभी बच्चे से प्यार से भी बात करना पड़ेगा, कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी छड़ी भी दिखानी पड़ेगी, भले आप छड़ी मारे ना, क्योंकि वो क्राइम है हमारे भारत में, आपके यहाँ भी होगा, तो हम छड़े लेकिन दिखानी पड़ती है। तो अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो शोएब जमाई तो फिर सबको रंगेगा, सारी औरतों को नेशनल न्यूज पर बेइज्जत करेगा, असदुद्दीन अवैसी हमारे पीरियड्स प्यूबर्टी की बात, वो तो हमारे यहाँ जैसे एक इदारा है पैमरा के नाम से, वो रोकते हैं इस तरह की चीजें, कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता, अगर करेगा दोबारा बुलाया नहीं जाएगा उनको, मीडिया में जगह ही नहीं मिलेगी। अगर आप मीडिया में जगह देंगे ऐसे लोगों को बिठा बिठा के, तो किसी को भी कुछ कहेंगे नहीं, पाबंदी होनी चाहिए, बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब देखिए ना, ये असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का प्रवक्ता है हाजी रंगरेज, ये आपका दिल्ली में रहता है, 9 क्लास पास, और वो प्रवक्ता है दिल्ली का। आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी खुद बैरिस्टर बाहर का पढ़ा हुआ है, और अपने अपने पार्टी में प्रवक्ता रखा है 9 क्लास पास। अब 9 क्लास पास क्या बोलेगा कि बच्ची को पीरियड्स हो गया उसका शादी कर दो, बच्ची नहीं मतलब हमारे यहाँ तो बच्ची होती ही नहीं है इस्लाम में, हमारे यहाँ तो सीधा औरत पैदा होती है, तो पीरियड्स हो गया है सीधा उसका निकाह पढ़ दूंगा, तो 9 क्लास पास आदमी क्या बोल सकता है? देखिए मगर जाहिर है ना कि जब जिसके जितना दिमाग चलेगा वो उतनी ही बात करेगा ना, लेकिन असल बात ये है कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जितनी मैंने वीडियोस देखी, जितनी मैंने क्लिप्स देखे सोनाक्षी सिन्हा की, और मेरा ख्याल है कि लोगों को उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि उनकी शादी अच्छी चले, पर जैसे पहले से आप इतनी नेगेटिव बातें करें कि जिसका कोई हाल ही ना हो, तो मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी और नाजिया लाई खान जी के बीच में ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जहां पे आपने देखा इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी होगी, खासकर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी को लेके। वैसे तो हम जानते हैं कि बॉलीवुड में इंटर रिलीजन मैरिज जो है वो काफी आम है, और बॉलीवुड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल शाहरुख खान और गौरी खान का है, पर हाल ही में आप देख रहे हैं कि अभी जरीन खान जो खुद एक मुस्लिम है, पर उनके जो बॉयफ्रेंड या फिर कहें उनके होने वाले जो पति हैं वो हिंदू हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।